આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઇન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ દ્વારા હાલમાં 1000 કરોડના નવા એનસીડીઝ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે. તો આ અંગે વધુ વાતચીત કરીએ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ઇન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સના ડેપ્યુટી એમડી અશ્વિની કુમાર હુડા. સરજી બહુ બહુ સ્વાગત હે આપકા ઓર ગુડ આફ્ટરનૂન ગુડ મોર્નિંગ. સબસે પહેલે તો વાત કરના ચાહેંગે જો ઓર એક ઓપ્શન મિલ રહા હે માર્કેટ મેં ઇન્વેસ્ટર્સ કો ઉસકે બારે મેં ઓર ક્યા કૂપન ઓફર આપ લેકર આયે હૈ યે જો એનસીડીઝ હૈ ઉસકે અંદર. तो ये एनसीडीज पे काफी अट्रैक्टिव कूपन है 8.35% से लेके 9.75% का कूपन है. 2 से 7 साल के बॉन्ड्स हैं ये एनसीडीज हैं. 5 साल तक के सिक्योर्ड एनसीडीज हैं और 7 साल के अनसिक्योर्ड सबॉर्डिनेट एनसीडीज हैं. आज के मार्केट के हिसाब से इनको काफी अट्रैक्टिव यील्ड दी है हमने इन एनसीडीज पे. अग्रीड सर. ये फंड्स जो यहाँ से रेज होंगे उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, कुछ डिटेल बाइफर्केशन के साथ आप अगर मुझे बता पाएं. तो हम हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए रेज करते हैं बैंकों से, एनसीडी से, फॉरेन करेंसी बोरोइंग से और सिक्योरिटाइजेशन लोन सेल डाउन से. तो ये सब बिजनेस में जाते हैं जहाँ दो, एक तो ग्रोथ के लिए नए लोन जो डिसबर्समेंट होती है उसमें जाते हैं और रिपेमेंट पे जाते हैं. तो अभी कंपनी ग्रोथ कर रही है, काफ़ी सारे होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एमएसएमई को दे रही है. तो उस ग्रोथ के चलते हमें ये ग्रोथ फंड रेज कर रहे हैं जिनका मुख्य यूज होम लोन में होगा. ठीक है सर. इसके अलावा सेकेंड वेव के बाद डिमांड आउटलुक कैसा रहा है सर, आप उसके डिटेल्स अगर आप थोड़ी सी बता पाए. रियल एस्टेट डिमांड कोविड के चलते भी काफी सॉलिड रहा है, काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है. रियल एस्टेट साइकिल काफ़ी लंबी होती है, 8-10 साल. तो लगभग 8 साल के बाद 2012-13 के बाद अब उछाल आना शुरू हुआ है. ये अर्ली दिन है पर मेरा मानना है कि अगले 5-7 साल के लिए रियल एस्टेट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रहेगी. घर की डिमांड कोविड के समय और कोविड के बाद स्ट्रांग रही है. सारे डेवलपर्स, जितने भी लीडिंग डेवलपर्स हैं, वो रिकॉर्ड सेल रिपोर्ट कर रहे हैं. तो हमारा मानना है कि अभी ये वॉल्यूम ड्रिवन काफ़ी सारी वॉल्यूम में सेल होएगी और उसके बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़नी शुरू होएंगी. तो ये अच्छा साइकिल देखने को मिल रहा है. हमारे जो डेवलपर लोन्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो रही है एस्क्रो अकाउंट्स में. तो मेरा मानना है कि रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा अगले 5 साल के लिए. अग्रीड सर. अच्छा, इसके अलावा मुझे 2 या 3 चीज़ें और समझनी थी इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. किस तरीके से डिसबर्समेंट्स और असेट क्वालिटी वर्कआउट कर रही हैं, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ. क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब हम लोग बातचीत कर रहे थे पूरे सेक्टर के लिए, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था वो यही था कि असेट क्वालिटी कैसे मेनटेन होगी. आपके लिए ये कंडीशन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए किस तरीके से वर्कआउट होगी, कलेक्शन एफिशिएंसीज किस तरीके से बेटर दिख रही है आपको, क्योंकि पिछले 1-8 साल के कंपैरिजन में अब नॉर्मलाइजेशन के साथ इम्प्रूवमेंट आया होगा, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. एसेट क्वालिटी हमारी स्टेबल रही है, बेहतर रही है मार्केट पार्टिसिपेंट से, दूसरी एनबीएफसी से, क्योंकि होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दोनों पे कम असर हुआ कोविड का. पहली साइकिल में कलेक्शन सबकी गिरी थी बिकॉज लॉकडाउन था, बट सेकेंड कोविड वेव में क्योंकि एनबीएफसीज को अलाउ किया था ऑपरेट करने के लिए, तो कलेक्शन एफिशिएंसी हमारी 96% आई थी, जो बढ़ के वापस से 98% से ऊपर आ गई है. तो मेरा मानना है नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मलाइज है. हमारे होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कलेक्शन साइकिल में, और मुझे लगता है कि जो एसेट के ऊपर स्ट्रेस आया था इंडस्ट्री वाइड भी, वो अब वर्स इज बिहाइंड अस. तो जो बुरा वक्त था वो निकल गया है. स्पेशली रियल एस्टेट के उछाल के कारण काफ़ी पॉजिटिविटी है सेक्टर में और डिमांड बहुत है होम लोन्स की.
तो एक तरफ से एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज हुई है, हमारा नेट एनपीए जैसे आज की डेट में 1.55% है, जबकि हमारे पास 5.5% लोन बुक का प्रोविजन के रूप में है, तो काफी कुशन है, मतलब और भी अगर एनपीएल बढ़ते हैं थोड़े बहुत 50 पैसे से, क्योंकि थर्ड कोविड वेव आती है, तो काफी स्टेबलाइज हो गया है एसेट क्वालिटी पे, और अभी ग्रोथ पे फोकस है, जहां हमने पार्टनरशिप की है को लेंडिंग की बैंकों से, HDFC से, जहां हमें केवल 20% लोन देना पड़ता है, 80% हमारा लेंडिंग पार्टनर देता है, जबकि पूरे लोन पे हमें फीस मिलती है, इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है, सर्विसिंग फीस मिलती है को लेंडिंग पार्टनर से, तो उस पे पूरा कंपनी का फोकस है कि रिटेल होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से ग्रोथ की जाए आगे चल के, और एसेट लाइट मॉडल में, को लेंडिंग मॉडल में हम ये लेंडिंग करें, जिससे कम होगा पर कमाई जैसे पूरे लोन पे फिर भी चलती रहेगी, वो ऐसा स्ट्रक्चर हमने फ्यूचर के लिए बनाया है। ओके, मतलब ये जो पूरी स्ट्रैटेजी की आप बात कर रहे हैं शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर एसेट लाइट मॉडल, ये किस तरीके से पूरा फ्रुक्टिफाई होगा, आई मीन FY22 एंड होते होते किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड मैनर में देख पाएंगे, एक ये डिटेल अगर आप मुझे दे पाएं, और साथ ही क्योंकि आप सिक्योरिटाइजेशन को लेकर भी रैंप अप कर रहे हैं, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ FY22 तक नियरली 5,000 crore के लोन्स आप सिक्योरिटाइज करने के बारे में प्लान आउट कर रहे थे, उसकी अपडेट कितने तक वो पहुँच चुका है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। तो पहले अगर मैं को लेंडिंग की बात करूं तो हमारा टारगेट है कि मार्च तक हम महीने के 2,000 crore के ये रिटेल लोन्स करें, और उसमें से लगभग 30-35% 600-700 crore हम को लेंडिंग के तहत लेंड करें अपने बैंकिंग पार्टनर्स और HDFC के साथ। वो हमें लगता है कि डिमांड के चलते बिल्कुल संभव है। 2018 में हम महीने के लगभग 2,500 crore से भी ऊपर लोन करते थे, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पावर है, रीच है मार्केट में, रिलेशनशिप है बड़ी अच्छी डेवलपर्स के साथ, ये होम लोन की काफ़ी अच्छी पोजीशन है हमारी, टेक्नोलॉजी ई होम लोन बेस है जिसपे हम बहुत कम ऑपरेटिंग कॉस्ट पे होम लोन कर पाते हैं। अगर हम बात करें सिक्योरिटाइजेशन की, तो सिक्योरिटाइजेशन क्योंकि होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये सबसे सेफ रिटेल लोन्स होते हैं, तो बैंकों से बहुत डिमांड रहती है, ये उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर भी क्वालिफाई करते हैं, तो उसके चलते सिक्योरिटाइजेशन हमारा सालाना 4,000-5,000 crore का प्रोग्राम रहता है। सितंबर अगर मैं पहले 6 महीने की बात करूं, हम ऑलरेडी सितंबर महीने में हैं, तो ये टारगेट लगभग 60-65% इसका 2/3 हम सितंबर में ही कर लेंगे, और अनुमान है कि शायद सिक्योरिटाइजेशन 5,000 crore से ज़्यादा भी हो सकता है।